हॉस्पिटल जो है रामदेव जी का, बहुत ही अच्छा लगता है, हरा भरा और बहुत ही शांति रहती है यहाँ पर। देखिए काफी बड़ा है, काफी अच्छा लग रहा है। इतना प्यारा सुकून सा मिल रहा है देखकर ही। हमने थोड़ा बहुत नाश्ता निकाला है, तो ये देखिए अभी हम रास्ते में हैं, पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में हम, तो अभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी है। ये देखिए बहुत मस्ती कर रहे हैं बच्चे। ये बेटी है और ये मेरे दामाद हैं जो गाड़ी पे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी सुबह सुबह का समय है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है इस टाइम पर। तो दोस्त ये देखिए बिटिया ने नाश्ता निकाल लिया है, बनाना चिप्स, इसे बहुत पसंद है बनाना चिप्स। तो अब हम थोड़ा बहुत चटर पटर खा लेते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। अभी देखिए काफी भीड़ है, पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिल रही है, काफी लोग आए हुए हैं हरिद्वार में और पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही है। जैसे तैसे करके हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखिए काफी भीड़। ये देखिए दोस्तों हम पहुंच गए हैं हर की पैड़ी पर। कितना रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हमें गाड़ी पार्किंग में करने में भी काफ़ी दिक्कत आई है क्योंकि जगह नहीं थी। देखिए ऊपर खड़े हैं बाबा जी। वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मन काफ़ी लग रहा है। और गंगा मैया के दर्शन भी कीजिए। ये देखिए हम आपके नाम के गोते भी लगाएंगे गंगा मैया में। दोस्तों किसी ने कहा था आप बहुत कम बोलते हो वीडियो में, इसलिए मैं इस बार अपनी वीडियो में अब अधिक से अधिक सब कुछ बताना चाह रही हूँ। इस जगह पर हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो आपको हरिद्वार हर पैड़ी के दर्शन करा रही हूँ। तो अब हम भी नहाने की तैयारी करते हैं। हमारे दोनों ही परिवार हैं, मेरी दो रानी का परिवार और हम। देखिए अभी वो नहीं पहुँचे, केवल हम ही पहुँचे हैं। तो हम इतने वो आएंगे, स्नान करने की तैयारी करते हैं क्योंकि बाबा जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम बाबा जी को ही मिलाएंगे। ये देखिए उनके कपड़े निकाल रहे हैं उनके बेटे। ये देखिए दोस्तों बेटे और दामाद दूल्हा करा रहे हैं गंगा जी में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाएंगे पहले एक बार पड़े यहाँ बैठो।
भीड़ है, हम नहा धो लिए हैं। अरे काए? अब बस गंगा मैया में प्रसाद चढ़ा के चलने वाले हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आज की आपको कैसी लग रही है ये जरूर बताना। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छी से अच्छी बनाने के लिए। ये देखिए, अभी हम अपनी देवरानी और देवर को ढूंढ रहे हैं, वो शायद दूसरे घाट पे नहा रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो पीछे रह गए थे। मैं पहले भी बताया कि ये देखिए, हम भीड़ भाड़ से निकलते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। सोच रहे हैं थोड़ा मार्केट में भी घूम लें, यहाँ का मार्केट भी हम देखना चाहते हैं। वैसे हम हरिद्वार में कई बार आ चुके हैं, इस बार थोड़ा लेट हो गए हैं, शायद इसलिए मनसा देवी और चंडी देवी तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शाम को हमें डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। मेरी बिटिया का हमने नंबर लिया हुआ है, क्योंकि उसको डॉक्टर के लेके जाना है, उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है। लेकिन वो नहाने में बहुत मौज मस्ती कर रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको, और दामाद तो मेरा गंगा में से निकलने के लिए राजी नहीं था। उसे बहुत अच्छा लगता है हरिद्वार आना, क्योंकि वो हमेशा से ही छोटेपन से हरिद्वार में बहुत आया है, तो वो बार बार आना चाहता है। दोस्तों, मेरी वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट्स में बताया कीजिए, कोशिश करूँगी अच्छा करने के लिए। देखिए, अच्छा करने के लिए कोशिश करूँगी। यहाँ जगह जगह पर्चियाँ भी कटती हैं, वो अपनी मर्जी है, कोई श्रद्धा से पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा। ये देखिए, आगे आगे बाबा जी और उनके बेटे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे हूँ और अपनी वीडियो बना रही हूँ। कुछ तो गर्मियों की छुट्टी पड़ी है, तो सभी लोग सोचते हैं छुट्टियाँ पड़ते ही बच्चों को बाहर घुमा लाए, तो आसपास के लोग तो ज़्यादा ही सोचते हैं कि चलो हरिद्वार ही चलें। आज हमारा भी प्रोग्राम पहले नहीं था, आज ही बना था। ये देखिए, हम पुल पर आने वाले हैं, क्योंकि बेटी गाड़ी में बैग रखने गई है, दूसरा जिसमें हमने नहाकर कपड़े रखे थे। हमने उनसे कहा था कि हम पुल पर ही मिलेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को, तो हम पुल की साइड ही जा रहे हैं, पुल पर चढ़ने ही वाले हैं। हम सीढ़ियों के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, थोड़ा धूप में कम दिखाई देगा क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। तो अभी मैं इतनी ही वीडियो को स्टॉप करती हूँ, आगे मार्केट का भी दिखाऊंगी। मार्केट घूमने के बाद हम लस्सी पी है, खरीदारी तो हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हम सब अलग अलग हो चुके थे, एक दूसरे को ढूंढने में ही काफ़ी टाइम लग चुका है, तो बस थोड़ा लस्सी पी है। बाबा जी गाड़ी में जा चुके हैं, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गए थे। अभी हम पुल के ऊपर से ही जा रहे हैं गाड़ी की साइड, जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है। मैया का पानी काफी रफ्तार पर है, काफी तेज धूप है, पर गंगा मैया का पानी काफी ठंडा है।
पानी में नहाने के टाइम एकदम ठंडा पानी लगता है। ये देखिए अधिकतर लोग गर्मी की वजह से धीरे धीरे या तो मनसा देवी जा रहे हैं या घर की तरफ। लोग शाम के टाइम काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ पर और रौनक भी ज़्यादा बढ़ जाती है।